वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। तो हम पिछली वीडियो में हम ये टेलनेट की एक सर्विस के बारे में बात कर रहे थे, जो कि पुरानी एक टेक्नोलॉजी है। तो इसमें मुझे ये इंटरेस्टिंग चीज़ लगी थी कि ये स्टार वार आस्किमेशन, यानी आपके टर्मिनल में टेक्स्ट फॉर्म में ये स्टार वार वीडियो, वो पिछले मैंने जो अपनी रिकॉर्डिंग किया उसमें बताया। तो अभी बहरहाल इसके बारे में मज़ीद मैं बताता हूँ। तो पहले ये कि मैं यहाँ पे ये टाइम जो है ना वो मेंशन कर दूँ कि वीडियो टू में अभी बिल्कुल स्टार्ट पे ही है, तो यहीं पे एक मिनट पे स्टार्ट हमने कर दिया था। ये पिछली वीडियो में आखिर में मैंने तकरीबन बताया था इसके बारे में। तो ये साथ में ये मैं फ़ाइल ये बनाता जा रहा हूँ यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन के लिए। तो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में भी मुझे एक दिलचस्प बात लगी थी कि आप अगर टाइम कहीं पे भी मेंशन करेंगे इस तरह, तो यूट्यूब उसको ऑटोमेटिकली एक लिंक बना देता है, और उस लिंक पे अगर आप क्लिक करें तो जो टाइम आपने मेंशन किया हुआ है वो आपकी जो वीडियो है उस टाइम से वो स्टार्ट कर देता है। तो ये पहले मुझे नहीं पता थी। अक्सर जगह पे वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में यूट्यूब के ये चीज़ नोट की थी, इस तरह टाइम आ रहा होता है और लिंक बना होता है, लोग मेंशन करते हैं कि इस टाइम पे उसने वो बड़ी दिलचस्प बात किया, या हवाला देते हैं ना इस टाइम जो मिनट्स हैं सेकेंड्स हैं इस पर उन्होंने बड़ा ये दिलचस्प चीज़ की है। तो देखते हैं। बहरहाल तो इसमें अभी हम मैं यहाँ पे बता रहा था कि मेरे पास वर्चुअल मशीन में ये विंडोज़ 10 इंस्टॉल है। तो विंडोज़ 10 में टेलनेट बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती, विंडोज़ एक्सपी में बिल्ड इन होती है टेलनेट। पुरानी टेक्नोलॉजी थी, अभी तो SSH इस्तेमाल होती है सर्वर को कनेक्ट होने के लिए और उसको एक्सेस करने के लिए या कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो पहले वक्तों में टेलनेट की सर्विस इस्तेमाल होती थी। तो यहाँ पे हमने देखा था एक कमांड के ज़रिए ये बताया जा रहा है कि इसको आप कर सकते हैं। तो ये विंडोज़ की बिल्ड इन ये पैकेज मैनेजर है, उसके ज़रिए आप इसको इनेबल कर सकते हैं। इनेबल करें और फिर यहाँ पे हमने ये कमांड बताई है, ये कमांड आप लिखेंगे तो ये वीडियो आपकी कमांड प्रॉम्प्ट पे चल जाएगी। एनिमेशन टाइप की टेक्स्ट बेस्ड एनिमेशन है। तो अभी हम इसमें चला के देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये विंडोज़ 10 चल रही है और इस पर मैं लॉग इन करता हूँ। तो हमारा ये जो सेशन है ये हम उसके आखिरी हिस्से में दाखिल हो गए हैं, जिसमें हम कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी और उससे मुतलका कोई एडवांस लेवल की चीज़ या जो मुझे किसी चीज़ से सामना करना पड़ता है, दिलचस्प लगती है, तो मैं उसको शेयर करता हूँ। तो इस पे सर्विस मैंने इनेबल की थी, तो पहले मैं उसको देखता हूँ कि डिसेबल कैसे करते हैं, ताकि वो आपकी तसल्ली हो जाए कि ये इसका एक बिल्ड इन फीचर है। ऐप्स में जाना होगा और यहाँ पे प्रोग्राम एंड फीचर्स की एक ऑप्शन आ रही है। विंडोज़ 7 में भी इससे मिलती जुलती कोई ऑप्शन होगी। तो इसमें ये एक आ रही है टर्न विंडोज़ फीचर ऑन एंड ऑफ, इस पे जाते हैं और इसमें स्क्रॉल करें तो यहाँ पे एक टेलनेट की टिक आ रही होगी। टेलनेट ये चीज़, तो इसको भी मैं अनटिक कर देता हूँ
और वो वाली कमांड अभी रन करता हूँ जो कि उधर मुझे जो कि मिली है। चलो मैं इतनी देर में कमांड कॉपी करता हूँ। और वैसे जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरा होस्ट सिस्टम है, ये लिनक्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे जिस तरह के उन्होंने बताया है कि विंडोज़ आर प्रेस करें और ये रन करेंगे तो ये फिर चल जाएगा। तो पहले मैं देखता हूँ कि ये हम चलाने की कोशिश करेंगे। टेलनेट ये कॉपी में करता हूँ, वहाँ पे विंडोज़ में पेस्ट करता हूँ तो ये नहीं चलेगा इधर टर्मिनल में। इसके जो विंडो और CMD करता हूँ तो अभी, क्योंकि ये अभी तक वैसे डिसेबल हुआ नहीं है, ये मैंने कोशिश की है डिसेबल हो जाए, लेकिन अगर पता लग जाएगा अभी। चलें, जिसमें कोई इशू आ गया ये उसको नहीं कर सका है डिसेबल, फिर दोबारा से ट्राई करते हैं। किसी वजह से इसको ऑफ नहीं कर सका है, ये टेलनेट की सर्विस है। इसको ओके किया और जो हमने टेक्स्ट कॉपी किया था वो भी इधर नहीं हुआ पेस्ट। मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ। पेस्ट काम कर रहा है तो यहाँ पे भी इसको करना चाहिए। चल इस दफ़ा ये उसको उसने डिसेबल कर लिया है। बहरहाल अब देखिए पेस्ट भी हो गया। इसको मैं एंटर दबाता हूँ तो ये कहता है कि टेलनेट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड। और यही विंडोज 7 में करते हैं तो तब भी यही एरर आता है, लेकिन जब विंडोज XP में करते हैं तो ये टेलनेट वहाँ पे उसमें बिल्ड इन गॉलबन है। तो फिर हम पहला काम ये करते हैं कि वो कमांड वहाँ से कॉपी करते हैं जो इसको इनेबल करने के लिए बताई है इन्होंने। तो कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हैं और जिस तरह अभी मैंने ऑफ किया है उसके फीचर को, वहाँ से भी कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के बजाय। बल्कि उन्होंने कहा था कि इसमें भी रन कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट भी, मैंने चेक किया, लेकिन मैं बिल्कुल उस गाइड के मुताबिक करना चाह रहा हूँ। तो अभी ये थोड़ी देर के बाद इनेबल हो जाना चाहिए। अब पैरों में प्रेस करता हूँ यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में, तो पिछली कमांड जो है वो आ जाती है। और इसको रन करके मैं देखता हूँ, अभी तक इसका मतलब है कि इनेबल नहीं हुआ। चले मैं इसमें दोबारा फीचर्स में जाके देख लेता हूँ, इनेबल हो जाना चाहिए था क्योंकि पहले मैंने इसी तरह इनेबल करके चेक किया है। और लेकिन किसी वजह से ये इसको इनेबल नहीं कर सका, तो मैं चले अभी ऐसे ही कर देता हूँ इसको इनेबल। चलें ज़बरदस्त, ये इनेबल इस पे हो गई है। फिर अब पैरो प्रेस किया मैंने और अब ये कनेक्ट कर रहा है और उसको रन करना शुरू कर दिया। तो इसमें देखें, इसमें ख़ास बात तो वैसे कोई नहीं है कि टर्मिनल में कौन वीडियो देखना पसंद करेगा, लेकिन ये होता है कभी आपके पास सिर्फ सर्वर एक्सेस है तो तब आप इस तरह के शुगल में ले कर सकते हैं। तो जैसे वीडियो स्टार्ट होती है तो वो शुरू में वो लाइट्स आती हैं स्टार वार, तो टेक्स्ट में इतनी खास कोई एनिमेशन तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी इन्होंने बड़ी की है कोशिश, दिलचस्प लगी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि फिर मैं ये सेशन में ये बताऊंगा। तो बहरहाल इसमें यदि सीखने के लिए भी चले एक चीज़ है कि ये टेलनेट एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी कोई लेगेसी सिस्टम हो पुराने उसमें किधर आपको इस्तेमाल करनी पड़ सकती है। तो इसकी सेंटेक्स यही है, टेल नेट आप लिखते हैं इकट्ठा, टेल नेट
स्पेस दे के जो भी आपका सर्वर है, तो फिर आगे आपके वो हो सकता है उसमें आप पासवर्ड देना है, लॉगिन करना है। तो इसमें ऑडियो भी कोई नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट और टेक्सचुअल एनिमेशन। मूवी तो शायद मैंने नहीं देखी हुई है और गेस कर सकता हूँ जो कम्युनिकेशन है वो टेक्स्ट में दे रहे हैं। पहले इसको फिर मैं क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने का तरीका ये था कि कंट्रोल का बटन दबाएं और जो बड़ी ब्रैकेट है क्लोजिंग वाली वो दबाएं, तो इसको इन्होंने क्लोज़ कर दिया है। अब जैसे ये CTRL+ ये ब्रैकेट बड़ी, तो इसको फिर यहाँ पे हम क्विट लिखेंगे तो ये अब टेलनेट सेशन से वहाँ से निकल गया है। अब ये नॉर्मल प्रॉम्प्ट पे आ गया। यहाँ पे एग्जिट की कमांड लिखे तो ये उसको क्लोज़ कर देता है, या फिर ऊपर से भी हम क्रॉस के बटन को भी क्लिक करके क्लोज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं इसमें शट डाउन करता हूँ। ये मैंने जो वर्चुअल में टेस्टिंग के लिए रखी हुई थी विंडोज़, तो ये हमने इसको क्लियर कर लिया। और इसके बारे में भी बात हो गई है। और ये मैंने यहाँ पे अपने YouTube की डिस्क्रिप्शन जो बना रहा हूँ उसमें ये मेंशन करूँगा। तो अभी एक और जो चीज़ मैं करना चाह रहा था कि एक मैं हिस्सा रिकॉर्ड करना चाह रहा था कि मैं पिछले कुछ अरसे से एक ERP जो है सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स उस पर काम कर रहा था। तो मैं ये कोशिश कर रहा था कि मैं उसकी एक ISO यानी DVD बना लूँ। तो DVD जो है वो ऑलमोस्ट मैंने उसको कंप्लीट कर लिया है, जो उसकी टेक्निकल जो चीज़ें थी वो क्लियर कर ली हैं। तो अभी मैंने उसकी थोड़ा सा क्लीनिंग वाला काम करना है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ बीच में हैं वो निकालनी है। तो इसको फिर मैं इसकी इंस्टॉलेशन का तरीका मैं करना चाह रहा था कि शेयर करूं कि ये जो वाला सिस्टम है इसको ERP इसको इंस्टॉल कैसे करना है अपने कंप्यूटर पे। तो ये DVD की फॉर्म में अवेलेबल होगी मेरी जो साइट है eSite.pk पे। और कीमत अभी इसकी फाइनलाइज नहीं की, लेकिन देखें क्या फाइनल करते हैं। तो मैं फिर यहाँ पे इसको ISO से बूट करता हूँ और इसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस करता हूँ। और फिर मैं इसी प्रोसेस जो है इंस्टॉलेशन का, इसको मैं वीडियो में कन्वर्ट कर लूँगा अलग से। और फिर इसको मैं अपने जो ये ISO ये है एक नया बनाऊँगा और उसके डेस्कटॉप पे ये वीडियो इंस्टॉलेशन की शामिल कर दूँगा। तो इसको मैं पहले बूट करता हूँ। तो इसको मैं F12 प्रेस करता हूँ ताकि मैं इसको DVD जो बनाई है वो मैं दे सकूँ। यहाँ पे ये मेरे पास कुछ पड़ी हुई हैं। जी इसका प्रोसेस बूट का स्टार्ट हो गया है। इससे मैंने एक ये उबंटू का शायद आपने नाम सुना हो, इसमें एक इसका लाइट वेट एडिशन है लुबंटू, उस पे इंस्टॉल किया है। और ये जो GUI है इसमें सबसे जो लाइट है वो यही लुबंटू है। एक इसमें एक्सबंटू भी है, XFCE डेस्कटॉप इन्वायरमेंट के साथ। तो
इसका यूज़र नेम है ई साइट डॉट पी के। इसके मैं देखता हूँ, अगर गेस्ट एडिशन हो जाएंगी तो फिर ये नहीं हो सकती है। अभी फिर ये इतना क्लियर नहीं आएगा। इसको फिर मैं, इसकी एक ऑप्शन होती है स्केल मोड, इस पे मैं कर लेता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा ये बड़ा नज़र आए व्यू इसका। हाँ, एक इसमें ऑप्शन ये है कि मैं इसकी अगर डेस्कटॉप स्क्रीन जो है वो अगर मैं बड़ी कर लूँ, स्क्रीन रेजोल्यूशन जो है वो ठीक कर लूँ, उसमें यह है कि फिर आगे जो मैं रिकॉर्डिंग करूँगा वो थोड़ी अच्छी आ जाएगी। इसमें मैं देखता हूँ इसमें ये किस पे सूट करता है। ये वैसे आमतौर पे लैपटॉप की स्क्रीन्स के लिए होती है। रेजोल्यूशन ओके, ये ठीक है, मतलब इसमें क्लियर लग रही है। मैं इसमें वापस निकल आता हूँ। और इससे ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ ताकि किसी पे ये ज़्यादा रीज़नेबल नहीं है तो उससे बाहर हो गई है। ये वाली ठीक नहीं है। त, 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 त. ये मैं ट्राई करता हूँ, ये फिर ठीक है। कोई नहीं होगी ये 900, 900 तक मेरे ख्याल है ये आराम से कर लेगा सपोर्ट। और इसमें फिर विड्थ और ज़्यादा में मेरे ख्याल है 900 वाली में नहीं है। सही है, मैं फिर इसी पे ही रुकता हूँ। जी, तो मैं इसको फिर ऐसे ही रिकॉर्ड करता हूँ जैसे कि स्पेशल रिकॉर्ड करते हैं आप। वैसे ये है कि अभी मैंने ये लाइव सेशन भी चला रहा हूँ, कोई ऑनलाइन भी हो सकता है। अगर कोई ऑनलाइन हुआ तो फिर मैं बीच में छोड़ दूँगा, या देखते हैं, उम्मीद तो नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर शहज़ाद अटक शहर पाकिस्तान से। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जो मैंने ईआरपी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है उसको कंप्यूटर पे इंस्टॉल किस तरह करना है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर कुछ आइकन्स मौजूद नहीं हैं, तो जब ये आप डीवीडी या यूएसबी से बूट करेंगे कंप्यूटर को, यानी कि कंप्यूटर अगर ऑन है तो उसको शट डाउन करें और यूएसबी या डीवीडी लगा के उससे बूट करें, जैसे कि F12 की से अक्सर जो डेल के सिस्टम है वो इससे बूट होते हैं, और बाज़ एस्केप की प्रेस करने से वो बूट मेन्यू की ऑप्शन आती है उससे बूट करते हैं, बाज़ के F9 या F10 की होती है। तो मुख्तलिफ सिस्टम की मुख्तलिफ ये तरीक़ाकार होते हैं बूट करने के। अगर आपको नहीं पता सर्च कर लें या जिनसे ख़रीदा है उनसे पता कर लें कि DVD या USB से कैसे बूट करते हैं। तो ये स्क्रीन सामने आने का मतलब ये है कि आप बूट कर चुके हैं और
इसमें इसमें यहाँ पे कुछ आइकन्स अभी आपके डेस्कटॉप पे नज़र नहीं आ रहे, जो कि असल में जब आप करेंगे तो उसमें ये आ रहे होंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक अदद डॉक्यूमेंट होगा जिसमें ये इंस्टॉलेशन का तरीकाकार लिखा हुआ मौजूद होगा। एक यही वाली जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मौजूद होगी, और इसके अलावा एक इस पे इंस्टॉल ये ERP OS आप ऑन योर हार्ड डिस्क, इस तरह की एक कोई ऑप्शन होगी, तो उस पे आपने डबल क्लिक करना है, और जो कि असल में ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी। और इसमें हमने जो पुरानी एक वीडियो बनाई थी पॉइंट ऑफ सेल ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन की, उसके साथ इसका तरीकाकार मिलता जुलता है, तो उस वीडियो में भी हमने ये बताया था, और इसमें भी यही मैं आपसे दोबारा बताता हूँ कि आप अमूमी तरीकाकार यही है कि आपके जो केस बनता है कि आपके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, उसमें कोई एक ड्राइव आप सोच लेते हैं कि मैंने इस पे ये ERP सिस्टम इंस्टॉल करना है, तो इसके लिए तकरीबन 20 GB कम अज़ कम उस पे ये हो सकता है, लेकिन ये है कि बेहतर ये है कि आप इस पे ज़्यादा 30 GB, 25 या 30 GB इसको स्पेस दें। तो इस साइज़ की कोई ड्राइव पड़ी हुई है या ज़्यादा साइज़ की 50 GB की, तो वो आप सोच लें कि उस पर आपने इंस्टॉल करना है। तो दूसरा ये कि उस ड्राइव लेटर को भी वहाँ से विंडोज़ उसमें से हटा दें, वो हमने दूसरी वीडियो में तरीकाकार बताया हुआ है, फिर भी अगर आपको नहीं समझ आती तो आप पता कर लें। तो उसको हम इसलिए हटाते हैं कि क्योंकि बाद में वैसे तो वो ड्राइव फॉर्मेट होगी, एक तो उसका डाटा आपका जो पड़ा हुआ है उसमें से ख़त्म हो जाएगा, वो आप डाटा किसी और ड्राइव में पहले से कॉपी कर लें किसी और जगह, क्योंकि वो उसमें से फॉर्मेट अप करेंगे जब इसमें प्रोसेस में, तो वो आपके ख़त्म हो जाएगी। तो विंडोज़ में से ड्राइव हम इसलिए हटाते हैं कि गलती से आप यहाँ पे बाद में इंस्टॉलेशन जिस तरह ये पूरी कर चुकी है और बाद में विंडोज़ में कोई जाता है और गलती से उस ड्राइव पे क्लिक करता है, तो विंडोज़ बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन, क्योंकि वो रिकग्नाइज नहीं कर सकती इसकी लिनक्स की पार्टीशन को, तो वो उसको कहती है फॉर्मेट कर दे, तो वो फॉर्मेट करेंगे तो ये सारी आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी और फिर कंप्यूटर बूट भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि बूट लोडर लिनक्स का इंस्टॉल होता है लिनक्स की ड्राइव में, तो वो जब आप फॉर्मेट उस ड्राइव को कर देंगे तो वो आपके कंप्यूटर बूट भी नहीं होगा। वैसे तो ये है कि जब ये इंस्टॉलेशन हो जाती है तो आपके कंप्यूटर के शुरू में मेन्यू आ जाता है कि आपने ये नया जो सिस्टम किया है ERP उस पर जाना है, OS में जाना है ERP OS या फिर विंडोज़ में जाना है, तो वो डाउन एरो प्रेस करके आप विंडोज़ में जा सकते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए फिर ये है कि आप वो ड्राइव लेटर जो है वो आप माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करें, उसमें मैनेज पे क्लिक करें, फिर डिस्क मैनेजमेंट में आएँ, तो वहाँ पे ड्राइव लेटर के ऊपर राइट क्लिक करें तो उसमें एक ऑप्शन आती है ड्राइव लेटर समथिंग इस तरह कुछ, उसमें जाएं तो ड्राइव लेटर को आप रिमूव कर दें जो जिस पे आप ये इंस्टॉल कर रहे हैं, और बेहतर यह है कि उस ड्राइव लेटर को आप विंडोज़ में नाम दे दें ERP का, ताकि जब यहाँ पे आप आएँ तो वो आपको नाम नज़र आए तो आपके लिए आसानी होगी। तो ये थोड़ा सा सिनेरियो मैंने आपको बताया है ताकि आपको समझने में आसानी हो को हम ये क्यों इस तरह कर रहे हैं। तो बहरहाल यह कि इसमें आपने ये सिस्टम कॉपी पे क्लिक करना है, और वहाँ पे आपको ये लेबल्स नज़र आ रहे होंगे, जो विंडोज़ में आपने ERP लेबल दिया होगा वो लिखा हुआ आ रहा होगा, तो यहाँ पे आपकी हो सकता है हार्ड डिस्क एक से ज़्यादा लगी हो, वो उनका भी बताएगा, ये SDA 1 पहली हार्ड डिस्क को शो कर रहा है, SDA 2, SDA पहली हार्ड डिस्क को और पहली ड्राइव को, फिर इस तरह SDB अगर दूसरी हार्ड डिस्क लगी हुई है, लेकिन यह कि आप लेबल्स दे देंगे तो फिर काम आपका आसान हो जाएगा। पहले तो यह इसको कॉपी यूज़र डाटा पे क्लिक कर दें ताकि ये स्टेप रह ना जाए, फिर जिस लेबल को आपने मैंने बताया कि ERP उसका नाम विंडोज़ में ही दे दें ताकि आपको यहाँ पे आके कोई कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन यह फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप ये चीज़ें बाकी जो हैं ये ऑप्शन उसको देख के अंदाज़ा लगा लें, उसका साइज़ यहाँ पर आ रहा होगा जिस तरह ये है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप अपनी जो ड्राइव आपने सोची है उस पर क्लिक करें, और ये माउंट पॉइंट पे क्लिक करके स्लैश लिख लें या यहाँ पे टाइप कर दें स्लैश, और ये इसमें से ERP EXT 4 यही आना चाहिए और फॉर्मेट टिक होना चाहिए, और ये जहन मेरे कि जो ड्राइव अभी आपने सेलेक्ट किया है ये फॉर्मेट होगी तो उसमें डाटा सारा ख़त्म हो जाएगा, तो बेहतर यह है कि डाटा आप पहले से ही किसी और ड्राइव में अपनी उसकी बैकअप ले लें, और आपने इस एरो पे क्लिक करना है, तो एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये मार्क इसको कर देगा जैसे कि
ये देखें, ये मार्क फॉर्मेट और ये इसका माउंट पॉइंट, ये तो ये इसके ऊपर ड्राइव के ऊपर इंस्टॉलेशन हो जाएगी। तो ये मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ। अब ये थोड़ी देर लगेगी, ये डिपेंड करता है आपका सिस्टम कैसा है, 10 मिनट भी लग सकते हैं और 20 मिनट भी लग सकते हैं, आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी। फिर जब ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी और कंप्यूटर आप रीबूट करेंगे, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको जो ईआरपी सिस्टम है इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो उसकी बेसिक्स जो मुझे पता है वो मैं बताता हूँ। तो अभी ये कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए रोक देता हूँ, क्योंकि ये अभी थोड़ी देर लगेगी। तो जब ये ख़त्म हो जाएगा या ख़त्म होने के करीब होगा, तो फिर मैं उसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा। तो वैसे तो ये बताएगा मैसेज कि ये कॉपी हो गया, तो आप कंप्यूटर रीस्टार्ट करें। तो ये करता ही है कि आपके जो बूट लोडर है उसमें एक अपना ये ऑप्शन बना देता है, जिसमें पहली ऑप्शन ये खुद होता है ईआरपी ओएस आएगी, और दूसरा ये कि आप डाउन एरो प्रेस करके अगर आपके कंप्यूटर में और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडोज़ है तो उसकी एंट्री ये सेव कर लेगा। तो आप डाउन एरो प्रेस करके शुरू में जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो वहाँ पे आप विंडोज़ में भी जा सकते हैं, वरना बाय डिफ़ॉल्ट ये पहली ऑप्शन इसकी अपनी ही आ रही होगी। अगर 10 सेकेंड तक आप कुछ नहीं करेंगे तो ये इसी को बूट करेगा। तो अभी मैं पास करता हूँ ये रिकॉर्डिंग, फिर ये कंप्लीट होने के करीब होगी या ओके का मैसेज आ जाएगा, तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। जी आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेस का पूरा हो गया है। तो इस पे अब मैं ओके पे क्लिक करता हूँ और फिर मुझे कंप्यूटर शट डाउन या रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। तो मैं अभी रीस्टार्ट करता हूँ। शुरू में ये मुझे अब मेन्यू दिखाएगा, बल्कि इस पे तो मुझे ये मेन्यू नहीं दिखाएगा क्योंकि इसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम अभी ये खुद अकेला ही है। तो वैसे अगर आपकी विंडोज़ अगर साथ में इंस्टॉल हुई हुई है, तो शुरू में ये एक मेन्यू दिखाएगा जिसमें आप डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आपको विंडोज़ अगर इंस्टॉल है या दूसरा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है तो उनको भी लोड कर सकते हैं, और पहली ऑप्शन खुद इसी की आ रही होगी। वो अगर आप 10 सेकेंड इंतज़ार करते हैं या फिर एंटर प्रेस करेंगे तो आप इसमें इसको लोड कर सकते हैं। तो पासवर्ड ये जहाँ पे भी मांगे आप बस एक जेन में रखेंगे। इसमें पासवर्ड मैंने सब जगह पे कोशिश ये की है कि एक ही पासवर्ड रखूँ जो कि esite.pk है। तो हमने क्योंकि सिस्टम कॉपी की ऑप्शन इस्तेमाल की थी, तो उसमें ये सारा सिस्टम एज इट इज़ कॉपी कर देता है। तो इसमें वही यूज़र नेम रोशन टेक और पासवर्ड यही esite.pk है। तो इसमें अभी आपके पास डेस्कटॉप आ जाएगा और फिर मैं आपको थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के बारे में बताता हूँ। चार्जिंग इसकी कम थी तो मैंने सोचा चार्जिंग लगा दूँ। ये जो मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये मैं वर्चुअल मशीन में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत हो सकता है चीज़ों का आपको फ़र्क लगे। जब आप असली हार्डवेयर पे करेंगे तो हो सकता है ये थोड़े बहुत फ़र्क हो चीज़ों का। जी डेस्कटॉप हमारे पास लोड हो गया है और अभी आप इसमें ब्राउज़र को खोलें। ये शुरू में ही आपको ये पहला आइकन जो नज़र आ रहा है ब्राउज़र का है, और दूसरा ये इसका फोल्डर या फाइल मैनेजर का है। तो यहाँ पे अभी हम लिखेंगे लोकल होस्ट, या पूरा टाइप कर दें या इसमें पहले से ही टाइप हुआ हुआ है तो आप एंटर दबा दें।
तो ये जो ERP OS है, इसमें ये इन्होंने एक फ्रंट वेबसाइट भी डाली हुई है, लेकिन हमारे ज़्यादा इस्तेमाल की चीज़ ये वेबसाइट नहीं है, तो इसको छोड़ के लॉगिन पे क्लिक करें और यूज़र नेम आपने यही लिखना है, ईमेल एड्रेस जो है वो यही लिखनी है, amir@esite.pk, और पासवर्ड भी esite.pk है। तो यही आप लॉगिन करें तो ये इसके हमारे बैकएंड जो इसका है सॉफ्टवेयर का, उसमें हम लॉगिन हो जाएंगे। तो अब इसमें देखें जिस तरह यहाँ पे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ रही हैं। फ़िलहाल तो जो मैंने इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑलमोस्ट जो सारे मॉड्यूल्स से वो मैंने ऑन कर दिए हैं, तो यहाँ पे आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि ये सारे मॉड्यूल्स आपके काम के ना हों, तो आप अपने हिसाब से इसको सेटअप कर लें। इसमें ये कुछ चीज़ों में मैंने काम किया है, उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। जिस तरह के आपका एक रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम इसमें है, सेल, स्टॉक, प्रॉफिट, क्रेडिट वगैरह ये चीज़ें इसमें शामिल हैं। फिर आपके अपने जो अकाउंटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी इसके साथ लिंक्ड हैं, यानी आप सेल्स, इनवाइसिंग करते हैं, परचेज करते हैं चीज़ें, तो ये सारे आपके जो अकाउंट्स हैं उसको साथ इसको लिंक आप किया हुआ है। तो ERP का वैसे जो सॉफ्टवेयर है उसका मकसद भी यही होता है कि वो आपको पेपरलेस एनवायरनमेंट बना दे, यानी कि आपकी ऑलमोस्ट कंपनी की सब चीज़ें इसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए, आपकी सेंट्रल एक जो सॉफ्टवेयर है उसके ज़रिए आपकी ये मैनेज हो जाए। तो इसमें यह है कि जो आपका यहाँ पे ये IP एड्रेस है, ये अगर आप अपने जो नेटवर्क है उसके साथ शेयर करें तो बाकी डिवाइसेस भी आपके इस सिस्टम को एक्सेस कर सकती हैं। ये इसका IP आ रहा है, तो ये मैं अगर अपने पास कोई मोबाइल है, टैबलेट है, कोई भी जो डिवाइस है उस पे मैं इसको अगर इस तरह के मैं ये अपने होस्ट में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं इसको मैन्युअली कर लेता हूँ क्योंकि वो कॉपी इसको नहीं कर रहा है, मैन्युअली टाइप करें तो ये, क्योंकि मैं वर्चुअल मशीन में चला रहा हूँ तो इसका थोड़ा फ़र्क है। 10.02.15, 10.02.15, अच्छा अभी 10.02.15 वैसे बजाय तो ठीक लिखा है, लेकिन ये किसी वजह से अभी इसको एक्सेस नहीं कर रहा है। लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस यही है कि आप इसका IP, क्योंकि मैं इसमें वर्चुअल मशीन में यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें और तरह के इश्यूज़ आते हैं, तो नॉर्मल प्रैक्टिस यही है कि आप इसका IP या होस्ट नेम वो आप देंगे तो ये एक्सेसिबल हो जाएगा। जी सही है, ये किसी वजह से अभी इसको खुद भी ये एक्सेस नहीं कर रहा, शायद इधर इंटरनेट का इश्यू आ रहा है मेरे पास, शायद इस वजह से भी ये कनेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि राउटर से ये IP इसने लेना होता है। अभी एक्सेसिबल हो रहा है तो अभी ये वहाँ पे भी एक्सेसिबल मेरे पास हो जाना चाहिए।
चलें, किसी वजह से डिले आ रहा है। बहरहाल, जो आपको चीज़ मैं इसमें बताना चाह रहा था, को इसको आप अपनी जो लैन आपका लोकल एरिया नेटवर्क है उसमें एक्सेस कर सकते हैं। तो राउटर के साथ ये अगर कनेक्ट है तो आपके जो वाईफाई डिवाइसेस जितनी हैं वो सारे भी आईपी के ज़रिए इसको एक्सेस कर सकेंगी। तो आईपी आपने यहाँ से लेना है, और ये आईपी अगर आप एड्रेस बार में ब्राउज़र की डालेंगे तो ये एक्सेस इसको कर सकते हैं। तो इसमें ये मल्टी करेंसीज को भी सपोर्ट करता है, तो बहुत ज़्यादा इसमें फीचर्स हैं। तो इसी तरह फिर इसमें ये CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम अलग से है, सपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, HR ऑर्गेनाइजेशन आपकी है जिसमें एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी लीव मैनेजमेंट, अटेंडेंस, सैलरी स्ट्रक्चर, उनकी जो स्लिप्स वगैरह करनी है, फिर आपकी रिक्रूट करना है, जो HR के फंक्शंस में जो चीज़ें हैं वो सारी इसमें मैनेज, एक्सपेंसेस, अगर लोन्स वगैरह हैं वो उसके शिफ्टिंग, अगर आपकी 3-2 शिफ्ट चलती हैं तो इस तरह की ये सारी चीज़ें मैनेज की गई हैं। अगर आपकी इंडस्ट्री जो है वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है तो उसकी रिलेटेड ऑप्शंस भी मौजूद हैं अलग से, और आप अगर इसी सॉफ्टवेयर को रिटेल मैनेजमेंट जो ऊपर हम देखा है पॉइंट ऑफ सेल, इसके अंदर बिल्ड इन है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एजुकेशन सेक्टर में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, स्टूडेंट्स मैनेजमेंट, उनके गार्डियन, एडमिशंस, अटेंडेंस और असेसमेंट, ये इस तरह फी स्ट्रक्चर ये मैनेज करना, स्केड्यूल, कोर्सेज, क्लासेस, और इसके साथ ये LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी शामिल है। तो ये आप पूरे स्कूल को आप इसके ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आप इसको, आपका हेल्थ सेक्टर है तो उसमें आप इसका पेशेंट मैनेजमेंट है, और फिर इसी की बेस पे पेशेंट अपॉइंटमेंट सिस्टम कर सकते हैं। फिर उसकी अगर आपने टेस्ट वगैरह किए हैं तो वो लैब टेस्ट वगैरह, इसमें चीज़ें आपस में ये लिंक्ड हैं। तो पूरा आपको ये एक सॉल्यूशन आपको मिल सकता है, मैनेज आप कर सकते हैं। और इसमें इसकी सॉफ्टवेयर की अच्छी बात यह है कि ये आप एज ए सर्वर आप इसको एक कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लें, कोर टू डू सिस्टम हो या और उसमें 1 GB या 2 GB या ज़्यादा रैम हो, 2 या 4 GB हो तो ज़्यादा अच्छा है, उस पर ही आप इंस्टॉल करें। और फिर जिस तरह आपके एक हॉस्पिटल में या ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है कि आपके एक फ्रंट डेस्क होता है, फिर मैनेजमेंट के ऑफिसेज होते हैं, फिर जो वर्किंग स्टाफ है उसके अलग से ऑफिस है वो यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब जगह आप इसके इसी आईपी नेटवर्किंग आप की हुई हो आपने, तो इसी आईपी की बेस पे आप सारा आपस में ये मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप इसको नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे चलाना चाहते हैं तो फिर आपको ये है कि एक बड़ा सर्वर लेना पड़ेगा, VPS, और उस पर खैर ये DVD से तो फिर इंस्टॉल नहीं हो सकेगा, उसके लिए फिर आपको हमसे रब्ता करना पड़ेगा, उसके हम VPS सर्वर के ऊपर आपको अलग से इंस्टॉल करके देंगे, और उसके जो VPS है उसके फिर चार्जेस आपके वो सालाना चार्जेस भी होते हैं। तो वो फिर डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह की है। तो इसी तरह एग्रीकल्चर जो इसमें डोमेन है, इसमें भी ऑप्शंस हैं, इसके मुझे ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन ये एक जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं बंदे वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपने मैनेज करनी होती हैं चीज़ें, और ये आपको ऑप्शंस यहाँ पे देगा मैनेज करने की। फिर आपके इसमें आ जाती हैं NGOs वगैरह, तो उसके लिए भी इस मैनेज करने की ऑप्शन इसमें मौजूद हैं। जिस तरह सिटी वाइज चैप्टर्स होते हैं NGOs में, मेंबरशिप होती है, और वॉलेंटियर्स आपके होते हैं, डोनर्स होते हैं, और आप अगर लोन मैनेजमेंट दे रहे हैं वो आप उसको कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये पूरा एक पैकेज
आपको एक ही सॉफ्टवेयर जो है ना वो आपको देता है। फिर आप यूज़र डिफरेंट जो है वो लेवल्स के यूज़र बना सकते हैं, रोल बना सकते हैं, जिस तरह फ्रंट डेस्क है उनको क्या एक्सेस होनी चाहिए, वो क्या कर सकते हैं। कस्टमाइज आप कर सकते हैं। तो अभी इसको जो हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है वो तो मैंने इसमें जो सारे इसके डोमेन्स हैं सबको ऑन कर लिया है। तो आप ये कि इसमें फालतू चीज़ें इसको ऑफ़ कर सकते हैं, मसलन आप ये एग्रीकल्चर से नहीं है, एनजीओ टाइप आपकी नहीं है, आपकी मसलन सिर्फ आप ये रिटेल का काम कर रहे हैं, ये बाकी सारे आप अनटिक करें, सेव करें, तो ये आपके फिर फ्रंट से बाकी फालतू चीज़ें हट जाएंगी। तो वैसे तो ये सारी चीज़ें ऑन भी रहें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप इसको करना चाहते हैं तो फिर आपके पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ये इसका मैं डेमो थोड़ा सा देना चाह रहा था, तो डेमो वाला काम भी हो गया है, इंस्टॉलेशन का तरीकाकार भी मैंने आपको बता दिया है। तो कोई आपको इशू हो तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। तो जी दोस्तों, ये मैंने हिस्सा जो इसमें रिकॉर्ड किया है वो मैं इसी मकसद से करना चाह रहा था कि ये मैं इसकी वीडियो इसमें से निकाल के और इसमें फिर मैं शामिल हो जाऊंगा, अपने इसमें से वीडियो कॉपी करके अलग से इसकी मैं रिकॉर्डिंग अपने चैनल पे अलग से रख लूँगा और इसी वीडियो को बीच में से मैं निकाल के, तो जिस तरह की मैंने डीवीडी बना रहा हूँ उसमें फिर मैं डेस्कटॉप पे यहाँ पे रख दूँगा, ताकि जो लोग इस्तेमाल करने वाले हैं उनके लिए फिर ये बहुत ही आसान हो जाएगा इस्तेमाल करना। तो ये सॉफ्टवेयर जो हैं, जिस तरह के हमने पहले एक डीवीडी इसकी रिलीज़ की है पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर की, वो और ये वाली जो ईआरपी है, ये बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर हैं। तो इसमें जो मैंने अभी पीछे रिकॉर्डिंग किया उसमें मैंने एक चीज़ इसमें मेंशन नहीं किया है कि इसमें बेसिकली दो जो है ना वो ईआरपी शामिल किए हुए थे मैंने। तो एक जो है वो ओडो के नाम से है और एक ईआरपी नेक्स्ट। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं तो ये ईआरपी नेक्स्ट है। तो ये मैंने खैर जानबूझ के मेंशन नहीं किया वहाँ पे, क्योंकि इसको जो वीडियो वो देखनी है लोगों ने, वो आम पब्लिक ने देखनी है जो यूज़र है, तो इसलिए वहाँ पे फिर मैंने मेंशन नहीं किया। ज़रूरी भी नहीं, उनको इस्तेमाल से मतलब है तो वो इस्तेमाल के हिसाब से वो सॉफ्टवेयर ठीक है। तो दूसरा इसमें जो सॉफ्टवेयर है जो कि ज़्यादा मैंने इसकी जिक्र या तारीफ़ सुनी है, ओडो, तो उसको भी मैंने इसमें इंस्टॉल किया है, लेकिन हो सकता है उसको मैं अलग से, उसके लिए डीवीडी अलग से बनाऊं। अभी तो फिर मैंने शामिल कर लिया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जो फाइनल मैं इसकी डीवीडी बनाऊं उसमें से इसको निकाल दूं, और जो ओडो है जो ईआरपी है उसके लिए फिर मैं अलग से एक और डीवीडी बनाऊं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसके हवाले से मैं डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ कि उसको ओडो को मैंने क्या किया है। तो यहाँ पे ये मैंने जो ओडो है वो डॉकर टेक्नोलॉजी के ज़रिए इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पे भी इसको मुझे चलाने के लिए कमांड्स जो है उसके ज़रिए करना पड़ रहा है। तो सब जगह मैंने यही ई साइट डॉट पी के है, यूज़र पासवर्ड और यूज़र नेम रोशन टेक है। तो ये दो चीज़ें मुझे स्टार्ट करनी पड़ रही हैं टर्मिनल से, लेकिन यह है कि बाद में इसका हो सकता है हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक स्क्रिप्ट बना देंगे, स्टार्ट ईआरपी या समथिंग कुछ सोच रहे हैं इस तरह, तो फिर उसको यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो अभी क्योंकि वो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, स्टार्ट होने के बाद भी ये थोड़ा सा टाइम लेता है लोड करने में। देखते हैं, जी स्टार्ट अभी हो गया है और यहाँ पे अब इसको लोड होने में
शायद 1 मिनट का वक्त तकरीबन लग जाता है, बल्कि लोड ये ऑलमोस्ट हो जाएगा अभी। हो जा मेरे भाई, लोड हो जा। इसका मैं स्टेटस चेक कर लेता हूँ। ये कंटेनर टेक्नोलॉजी है, डॉकर जो हम ये यूज़ कर रहे हैं, ये कंटेनर टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं उसको इस्तेमाल करता है। और इसको मैं एलएस करता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बाजी, मेरे जो है ना सेशन रिकॉर्ड भी मैं कर रहे हैं ना, मैं जी कहता हूँ जी पहले 10 देवा। सही है, वी कैन स्पीक उर्दू। ओके, यस वी कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश एज वेल। वेरी गुड। तो बाजी इसमें ऐसे है कि मैं इसमें जिस तरह मैंने शुरू में भी बताया था वीडियो के कि इसमें हमारे सेक्शंस हैं, कि हम एक वो बिल्कुल बेसिक लेवल का वो सीख रहे हैं, HTML, फिर CSS, फिर JavaScript, फिर PHP वगैरह वगैरह, ये हमने चीज़ें सीखनी है। एक सेक्शन वो है, जी दूसरा सेक्शन हमारा ये क्वेश्चन आंसर्स का है, जिसमें ओके कोई भी आप सवाल IT रिलेटेड, वेब डेवलपमेंट रिलेटेड पूछ सकते हैं, या जो चीज़ें आप पढ़ने की कोशिश की है, वीडियो देखी हैं, वो समझ नहीं आए वो पूछ सकते हैं। और तीसरा हमारा सेक्शन ये है कि हम IT रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी चीज़ें जो इंटरेस्टिंग या एडवांस लेवल की लगती हैं वो हम करते हैं। तो स्क्रीन आपको मेरी नज़र नहीं आ रही होगी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन नज़र आए तो फिर मुझे बता दें। Yes, now can you see? जी, स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? जी, मैं अच्छा देख सकती हूँ स्क्रीन। अच्छा इसमें अभी आपने कोई सवाल करना है तो पूछ सकती हैं, वरना ये है कि क्योंकि आप। मैंने असल में अभी ज्वाइन किया है ना, तो मैं तो क्लास लेने गई हुई थी खुद की, और अभी वापस आई हूँ। और अभी तो आज तो मैं एज अ लिसनर हूँ आपकी क्लास में। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो मैं अभी राइट सुनूंगी तो साथ में राइट। इंशाल्लाह। अच्छा फिर ऐसे है कि आप अपना माइक जो है उसको म्यूट कर दें, तो जी, मैं ओके। इसमें, लेकिन ये कि आपको फिर भी ये सुनते हुए कुछ चीज़ समझ नहीं आती या क्यूरी होती है ना जहन में, किसी वक्त बंदा देखता है तब सवाल जहन में आता है, वैसे फ़ौरन जहन में नहीं आ रहा था, लेकिन जब कोई चीज़ होते हुए देखता है तो जहन में सवाल आता है। तो आप अनम्यूट करके बिल्कुल सवाल पूछें, इसी मकसद के लिए, लाइव होने का मकसद, मेन मकसद यही है कि जो ये ऑनलाइन चीज़ें सीखना चाहते हैं तो उसमें इश्यूज़ आते हैं, तो कहीं ना कहीं स्ट्रक हो जाते हैं। और ये मुझे, मेरा ये तजर्बा है कि लोग वहीं पे फिर रोक देते हैं, उस चीज़ को सीखना छोड़ देते हैं। तो आपका अगर टारगेट है वेब डेवलपमेंट सीखनी, IT में इन होना, तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी आपको। तो मैं यहाँ पे ये एक ERP सॉफ्टवेयर है उसकी ये डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा था, तो थोड़ी सी मैंने इसमें काम किया है और थोड़ा सा अभी ये इसमें रहता है, तो इसमें मैं लोड करने की कोशिश कर रहा हूँ और शायद कोई इश्यू है जिस वजह से ये लोड नहीं हो रहा सॉफ्टवेयर, तो इसको मैं अच्छा, दोबारा। मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आप आंसर दे जी दो। जी बताएं प्लीज़। जी, क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया है, तो सर मुझे ये पूछना है कि आपके साथ स्टडीज में पार्टिसिपेट करने के लिए अगर आप कोई बुक्स ऐसी रिकमेंड कर दें जिनको हम स्टडी करें या फॉलो करें, तो वो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। इसमें जो एक चीज़ तो मैं ये फॉलो करूँ ना, ये साइट जो W3 School है इसी को फॉलो करूँ। वो अगर आपने, अच्छा जी, अगर आप वो लेक्चर्स वहाँ से देख रहे हैं ना, YouTube चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो उसमें भी जी, इसी को मैं रिकमेंड करता हूँ। तो ये एक लिहाज से आप समझिए ऑनलाइन बुक ही है। अच्छा तो इसके यही हम ये सही सही, HTML का स्टार्ट किया हुआ है हमने, तो हमारा इसमें मेन मकसद ये है कि वेब डेवलपमेंट सीखी जाए। तो
वरना ये कर, अगर आप कोई और चीज़ सीख रही हैं, कर रही हैं, तो उसमें आप बिल्कुल सवाल बिना झिझक पूछ सकती हैं। जो चीज़ें मुझे पता है वो मैं कोशिश करूँगा कि शेयर करूँ। तो एक लिहाज से ये बुक ही है। आप ये ऑनलाइन सारा मटेरियल कंटेंट इसका बड़ा कंसाइज अच्छा है, तो इसको हम फॉलो कर रहे हैं। पहले चैप्टर से आप शुरू हो जाएं, साथ साथ वीडियोज़ देखें तो तब भी आप कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी अगर आप देखें तो ये बहुत अच्छा है इन्होंने लिखा हुआ है। तो वीडियो में ये है कि मैंने साथ साथ जो मुझे लगी है ज़्यादा अहम चीज़ या जिसको एक्सप्लेन करने की और ज़रूरत है वो साथ की है। तो इसमें अभी हम इसमें अभी एक जगह पे ये मेरा काम हो गया है स्टक, क्योंकि इसको मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये अभी रनिंग स्टेट में। हाँ, इसमें आप देखिए एक चीज़ मिसिंग आ रही है ना, जो सर्विस मैंने ये चलाई है ये किसी वजह से सर्विस स्टार्ट नहीं हुई है। और यहाँ पे जब मैं इसको लिस्ट करता हूँ तो ये एक सर्विस शो कर रहा है, अभी ये दोनों सर्विसेज शो कर रहा है। तो अब इसको लोड इसको कर लेना चाहिए। तो ये इसका बाय डिफॉल्ट इसका लिंक था। तो ईआरपी सॉफ्टवेयर जो है, मैंने इसमें अगर आप रिकॉर्डिंग इसकी पिछला हिस्सा देखें तो ये बड़े ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर्स हैं, जो कि मैं इंशाल्लाह ताला इसमें डीवीडीज़ में इसको शुरू करने लगा हूँ। तो देखें वो अब ये हमारे पास इसका फ्रंट इंटरफेस आ गया है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसका नाम ओडो है, और ये हमारी डीवीडी जिस पे मैंने अभी इंस्टॉलेशन का तरीका बताया है, तो उसमें तकरीबन ऐसे ही इंस्टॉलेशन का तरीका इसका भी होगा, आसान होगा जैसे आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, ऑलमोस्ट ऐसा होगा। लेकिन आप ये देखेंगे ये सॉफ्टवेयर इतना ज़बरदस्त आपके हाथ में आ जाता है कि आप अपनी फुल कंपनी का पूरा सिस्टम इसमें मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें ये देखें कि अगर आपके पास सर्वर अगर आपने लिया हुआ है डेडिकेटेड ऑनलाइन वीपीएस हम जिसको बोलते हैं, तो फिर तो आप ये इसकी अपनी वेबसाइट की मैनेजमेंट भी सारी यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी ये डीवीडी जो बनाने का मकसद है वो इसका मेन इसका मकसद ये इसकी वेबसाइट और ये इसकी मैनेजमेंट या वीपीएस पे इंस्टॉल करना नहीं है, वीपीएस पे इंस्टॉल ये डीवीडी से नहीं हो सकेगा। तो हमारा मकसद ये है कि जिस तरह एक कंपनी है लोकली वो अपने पास उन्होंने सर्वर एक रखा हुआ है, तो ये फिर हमने इसकी मॉड्यूल्स मैंने इसमें देखें कि इनेबल इसके किए हैं। तो इसमें जो जो इसमें फ्री मॉड्यूल्स थे वो सारे के सारे मैंने इंस्टॉल कर दिए हैं। तो इसको मैं गो थ्रू करता हूँ, और जो जो ये पेड वाले थे इनको मैंने स्किप कर दिया है। तो आपको फिर एडवांस लेवल की बात चीज़ें इनमें मेंशन हुई हुई हैं, वो आप कर सकते हैं इस्तेमाल। लेकिन ये इसके फ्री टूल्स भी देखें तो बहुत सारी इसमें अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि ये पूरा सेल मैनेजमेंट सिस्टम, ई लर्निंग, वेबसाइट की ऑप्शन जिस तरह मैंने बताई है। लेकिन हमारे ये भी इतने ख़ास इस्तेमाल के लिए हैं। लेकिन ये अगर आपकी लोकल लैन बेस्ड सिस्टम है और आपके पास एम्प्लॉइज़ हैं 10, 20, 50, 100, तो फिर इस लोकली आप इस वेबसाइट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, सर्वेज, एम्प्लॉइज, रिक्रूटमेंट, अटेंडेंस, यानी ये सारी अपनी अपनी जगह पे पूरी एक चीज़ है। अब ये लाइव चैट जो है ये आपकी साइट के ऊपर लाइव चैट होगी। तो अभी इस केस में, हमारे केस में, हम जिस तरह इसको ऑफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो उस केस में तो ये इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। तो अभी है कि हम ये कुछ चीज़ें इसकी गो थ्रू करते हैं, जिस तरह ये फॉरम्स है, डिस्कशंस मैनेजमेंट इसमें आप कर सकते हैं, चैट चैटिंग वगैरह की ऑप्शन इसमें होंगी। तो इसमें हम ये गो थ्रू करते हैं। कैलेंडर्स का मैंने देखा है कि यहाँ पे हमारे पास इधर इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता पाकिस्तान में, लेकिन ये अपनी जगह पे ये कैलेंडर्स अच्छी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो आप इसमें अपनी पूरी मैनेज कर सकते हैं कि टाइम स्केड्यूलिंग आप कर सकते हैं, मीटिंग्स आप लोगों के साथ रखते हैं, तो बजाय इसके कि आप वैसे अपने पास किधर ज़बानी याद रखें या किसी जगह नोट कर लेते हैं,
तो आप कैलेंडर्स में अपने पास ये मैनेज करें। तो आपकी नेक्स्ट मीटिंग भी किसी को टाइम देना है तो आप इसमें एंट्री आप इसमें यहाँ पे करें, या अपने जो टू डू लिस्ट है वो आप यहाँ पे इस तरह अपने ऐड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। नोट्स तो जर्नल मेरे ख्याल है इसमें नोट टेकिंग एप्लीकेशन होगी। मैं जो खुद पर्सनली पसंद करता हूँ वो गूगल की जो कीप के नाम से एक एप्लीकेशन है, और वो कीप डॉट गूगल डॉट कॉम, अगर वेब पे आप इसको इस्तेमाल करना चाहें उस पे भी कर सकते हैं, और मोबाइल पे इनकी ऐप है तो वो उसमें फ़ायदे इस तरह भी हो जाता है, कुछ चीज़ें आपको मोबाइल पे करते हैं और फिर वो ऑनलाइन चाहिए तो वो मैं इस सर्विस को इस्तेमाल करता हूँ। जीमेल आईडी आपको इसके लिए चाहिए, तो अगर आप ऑफलाइन काम कर रहे हैं तो फिर इनकी जो नोट वाली ये एप्लीकेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने ये ईआरपी इंस्टॉल किया हुआ है तो इसकी ये नोट टेकिंग ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ इसमें जो अक्सर चीज़ें बीच में फर्स्ट टाइम में मैं देख रहा हूँ, मैं मतलब मैंने इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया हुआ है लेकिन मैंने इसको इस्तेमाल करना है, सीखना है। और CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसका भी मुझे जनरल आइडिया है लेकिन इसको उस तरह इस्तेमाल करने का आइडिया नहीं है प्रोफेशनली। जैसे आपके कांटेक्ट में कस्टमर्स कुछ आते हैं, फिर आप उनको सपोर्ट देते हैं, क्वेश्चन उनके होते हैं, क्यूरीज होती हैं, और आप उनको लीड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कस्टमर्स की क्यूरीज को, उनके प्रॉब्लम्स को हल करना, ये इस तरह की ऑप्शंस इसमें मैनेज आप कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कार्ड्स की फॉर्म में ये चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर सकते हैं, न्यू आपकी क्यूरीज आई हैं या कोटेशन है कुछ भी है वो आप यहाँ से फिर आगे वो आपकी डन हो जाती है तो वो इधर आप शिफ्ट कर दें, और इन प्रोग्रेस है तो जनरल जो मुझे स्नैरियो पता है वो ऐसे ही है। बाकी जो सेल्स या ये जॉब कर रहे हैं इससे रिलेटेड वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। सेल्स में आपके ऑर्डर्स कस्टमर का नाम आ रहा है, एक्सपेक्टेड डेट, डिलीवरी अमाउंट, सेल्स ऑर्डर है, बाद वो कोटेशंस आपसे लेते हैं, ऑर्डर बाद में प्लेस करते हैं। बहरहाल इसके गो थ्रू करने का मकसद यही है कि आप भी इस सॉफ्टवेयर के बारे में जान जाएं या इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको देख लें। बहरहाल ये वेबसाइट वाले जो एरिया है इसको तो हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसका ज़्यादा फ़ायदा तब है कि आप ऑनलाइन सर्वर लें, VPS सर्वर लें, उस पे ये ओडो जो सॉफ्टवेयर है इसकी इंस्टॉलेशन करें और फिर आपके वो डोमेन के साथ लिंक करें तो तब इसका फ़ायदा है। तो ऑफलाइन इसका कोई इतना ख़ास फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। हाँ, लोकली आप लैन पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इतना ख़ास फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि लोकली आपके एम्प्लॉयज़ ही होंगे, एम्प्लॉयज़ के साथ आप वैसे ही कम्युनिकेशन आपकी होती है। बाकी जो ये सॉफ्टवेयर की ऑप्शंस हैं वो ही इनडायरेक्ट या डायरेक्ट आपके एम्प्लॉयज़ को इंगेज कर रहे होते हैं। जिस तरह सेल्स है, कोटेशन आती है, वो जो उससे रिलेटेड स्टाफ है उसको वो अपनी नज़र आती है साइट पे, लॉगिन वो आईडी उनकी अलग से बनी हुई है, वो तो आप वैसे ही डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो आपके साथ लिंक्ड है, मीटिंग्स आप करते हैं। तो वेबसाइट तो वैसे अमूमन ये आम पब्लिक के लिए है, तो इस केस में तो फिर पब्लिक इन्वॉल्व नहीं है तो इसलिए इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं। तो ये जिस तरह LMS हम बोलते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये उस तरह के टूल्स इसमें हैं। पॉइंट ऑफ सेल भी इसमें है, और मैंने इसका पॉइंट ऑफ सेल इसको इस्तेमाल करके मैं देखता हूँ, न्यू सेशन क्रिएट करता हूँ। तो हमारे पास अभी थोड़ा सा टाइम है, तकरीबन 15-1 मिनट हैं, इसमें हम इसकी डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं, कुछ चीज़ें बोरिंग होती हैं, लेकिन आप सीखते हैं तो फिर तभी आपको फ़ायदा उससे उठा सकते हैं।
जी भाजी, कोई आपके जहन में सवाल आया है या कोई बात जहन में आई है? अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अभी सलाम। क्लास तो बड़ी अच्छी जा रही है, वो चीजें बोरिंग तब होती है जब पढ़ा जो है वो बिल्कुल अपने खुद को। बीच में आखिरी हिस्सा मुझे समझ नहीं आया, सॉरी। बल्कि नेट का ही मसला है हमारे। चलिए, रिकॉर्डिंग तो ये हमारी हो रही है, लाइव सेशन तो रुक गया, लेकिन जो डेस्कटॉप की ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है वो तो हो रहा है। इसमें ये था कि मैं पिछले कुछ अरसे से ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो बाकी हमारे नेट का इधर कभी कभार इशू रहता है, लेकिन अक्सर ये जो मेरे टाइम था रिकॉर्डिंग का, इसमें कोई मसला नहीं। तो मैं अपने तौर पे काफ़ी खुश था कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज उसके बरक्स हो गया है, नज़र लगी है। लेकिन चलिए, हमारी ये रिकॉर्डिंग तो चलती रहेगी। तो इसमें वैसे जो सॉफ्टवेयर मैंने जो पॉइंट ऑफ सेल खुद जो जिस पे काम करूँ ना, अलग से जो ई साइट पे जिसका मैंने डेमो भी रखा हुआ है, लेकिन ये तो अभी साइट खुलेगी भी नहीं। तो वो मुझे उसका वैसे ज़्यादा इंटरफेस अच्छा लगा है। ये इसका भी मैंने देखा है सॉफ्टवेयर। इसके अलावा और एक ERP नेक्स्ट है जिसके मैंने पीछे डिमॉन्स्ट्रेशन दी है, तो उसमें भी ERP, इसमें ये पॉइंट ऑफ सेल की ऑप्शन मौजूद है, लेकिन ये इन दोनों की मुझे उतनी ज़्यादा वो अच्छी नहीं लगी जितनी कि वो जो दूसरा जो हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं पॉइंट ऑफ सेल, वो मुझे ज़्यादा उसका इंटरफेस अच्छा लगा है। बहरहाल, इसको मैं अभी क्लोज करता हूँ, कंफर्म भी कर देता हूँ, और ये जो दूसरा सॉफ्टवेयर है ERP नेक्स्ट, इसमें भी किसी जगह ऑप्शन थी इसकी पॉइंट ऑफ सेल की, मैं देखता हूँ या सर्च कर लेता हूँ। सेल ओपन पॉइंट ऑफ सेल, चलिए देखते हैं दोनों को, थोड़ा सा वो कंपैरिजन भी हो जाएगा। और इधर हमारे पास नेट का मसला बदस्तूर है, चलिए मैं इसको फिर थोड़ी देर के बाद देखता हूँ। अच्छा, इसका पॉइंट ऑफ सेल इसके तो कुछ समझ ही नहीं आ रही, इसके ऑप्शंस और कहीं नज़र ही नहीं आ रहे, शायद अभी ये लोड पूरा नहीं हुआ है। एक तो मैं इसको वर्चुअल मशीन में चला रहा हूँ, और दूसरा हमारे पास नेट का भी इशू आ गया है। वर्चुअल मशीन में यह है कि चीज़ें उतनी फास्ट नहीं चलती हैं जितनी वैसे आप लाइव कंप्यूटर पे चलाते हैं, तो वो ज़्यादा तेज़ चलती हैं। अभी अब यही देखने के यहाँ पे हम सेशन जो ये चला रहे हैं, ये एक तो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि साथ में मैं ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, तो उसमें दो चीज़ें ये हो रही हैं। तो सिस्टम मतलब मैनेज कर रहा है इसको, और उसके अलावा तीसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये वर्चुअल मशीन में इसको चला रहा हूँ, तो ये खुद भी मतलब एक अच्छा खासा काम है। तो इसको मैं नहीं,
अभी कुछ सिस्टम कुछ स्ट्रक सा हो गया है। हाँ अब ये लोड हुआ है। तो इन दोनों की निस्बत मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे मेरे ख्याल टैब ना ही खोलूँ, यहाँ पे मैं टैब खोल लेता हूँ। esite.pk पे अगर आप जाएं तो यहाँ पे ये सर्विसेज में पॉइंट ऑफ सेल में है। वैसे यहाँ पे हमारी ये डीवीडीज भी हैं और इसमें ये लाइव इसकी डेमो एक रखा हुआ है। इसमें मैं लॉगिन करता हूँ तो मुझे इस जो सॉफ्टवेयर है, अच्छा ये एक तो ये लाइव पड़ा हुआ है तो ये अब किसी ने इसका, वैसे डिफ़ॉल्ट ये इस तरह के कलर नहीं आता है लेकिन ठीक है, लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं इसका मतलब है। तो इसका जो सेल का इंटरफेस है ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है। तो जैसे यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ ये आइटम्स वगैरह, तो मुझे ये इसके इंटरफेस जो है वो ज़्यादा अच्छा लगा है। तो बहरहाल इसमें कुछ चीज़ें मैंने इसमें खुद डिसेबल की हैं कि लोग फिर और ही बीच में चीज़ें कर देते हैं। अभी बहरहाल कोई थीम की ऑप्शन होगी यहाँ पे, मुझे अब नज़र नहीं आ रही। ये कलर वगैरह वहीं से चेंज हुए होंगे। ये भी नहीं होनी चाहिए। बहरहाल इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ लेकिन इसका जो इंटरफेस है ये मुझे ज़्यादा अच्छा इसका लगता है। तो इन दोनों के जो हैं मुझे वो उतने ज़्यादा पसंद नहीं। बहरहाल आपके डिपेंड करता है, मतलब आपके जिस तरह इस पे भी ऐसे ही है कि यहाँ पे आइकन्स और ये आ जाते हैं क्लिक करके आपने करना है, अपनी अपनी चॉइस की बात भी है, हो सकता है आपको ये ज़्यादा अच्छा लगे। तो बहरहाल आपको अच्छा लगे तो ठीक है आप यूज़ करें, कोई मसला नहीं है। चॉइस इज़ योर्स, अपनी अपनी अलग अलग चॉइसेस होती हैं। तो इसमें फिर हम ये इंशाल्लाह ये एक्सप्लोर करते रहेंगे और अभी टाइम हमारा तकरीबन क्लोजिंग के करीब है। 3 से 6 हमारा ये सेशन होता है और इसमें हम कोशिश करते हैं कि वेब डेवलपमेंट की बेसिक्स हम सीखें और फिर क्वेश्चन आंसर सेशन हमारे चलते हैं और फिर हम इसमें टेक्नोलॉजी इंटरेस्टिंग कोई चीज़ लगती है उसको भी हम अपने पास इधर शामिल कर लेते हैं। तो मैं इसको भी क्लोज करता हूँ, अभी तो इंटरनेट चल रहा है लेकिन आज इसने तंग किया है। तो ये हमारी प्लेलिस्ट है, लिंक ये डिस्क्रिप्शन में मैं ये शामिल करूँगा और शेयर भी करूँगा फेसबुक
फेसबुक और व्हाट्सएप का जो ग्रुप ब्रॉडकास्ट है उसमें भी हफ्ते वाले दिन आप ये सेशन हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आईटी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और वेब डेवलपमेंट, यानी किसी भी तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, जो चीज़ें पता हैं वो कोशिश होगी कि आपको बताऊं, जो नहीं पता उसकी माजरत कर लूँगा या फिर खुद देखूँगा, उसमें सर्च आउट करूँगा। जैसे कि ये ईआरपी में इसमें वेरिएंट्स बनाने की ऑप्शन कि नहीं पता लग रहा था, एक भाई ने पूछा मुझसे, फिर मैंने इसमें स्पेशली उसकी सारी एक्सप्लोर की चीज़ें, फिर उसके मैंने वेरिएंट्स बना के यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दी। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, इसको सेशन क्लोज़ कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।